अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 13, मनी। एक्सप्रेसिंग करेंसी नोट्स इन टर्म्स ऑफ अदर कॉइन्स एंड नोट्स। सो टू नोट्स ऑफ रुपीज 5 और वन नोट एंड वन कॉइन ऑफ रुपीज 5 मेक रुपीज 10। 5 रुपीज प्लस रुपीज 5 नोट्स इज इक्वल टू रुपीज 10 एंड रुपीज 5 नोट प्लस रुपीज कॉइन, नो प्रॉब्लम, इधर इट्स कॉइन और नोट्स, बट द अमाउंट शुड बी सेम, देन ओनली यू विल गेट द अमाउंट। ओके, नो डाउट, इधर इट विल बी कॉइन और नोट। इफ इट्स रुपीज 5 एंड रुपीज 5, योर रुपीज विल बिकम 10। इफ बोथ नोट्स आर देर ऑफ सेम अमाउंट, देन इट बिकम रुपीज 10। ओके, सो टू रुपीज 10 नोट्स और कॉइन्स मेक रुपीज 20। दो 10 के नोट्स हो या दो 10 के कॉइन्स हो, इफ यू एड यू विल गेट रुपीज 20। सेम हियर, 20 नोट्स, 20 नोट्स प्लस रुपीज 10 कॉइन, 20 40 प्लस 10 50। ओके, यू कैन ऐड कॉइन और नोट्स, 2 रुपीज 50 नोट्स, 50 इट विल बिकम रुपीज 100। रुपीज 20 नोट्स एंड 6 रुपीज 10 कॉइन्स मेक्स रुपीज 100। 20 40 प्लस 10 दिस 6 10 कॉइन्स मीन्स 60 रुपीज एंड हियर 40 रुपीज, तो 60 and 80 इज इक्वल टू 100। Same like that, we are going to solve practice zone 4. Match the following: 50 rupees and 50 rupees. 50 rupees make rupees 100. Where is 100? 100 is here. So it's on A. So the answer will be here A. Second one, 10. Plus 5 and plus 5 note. 5, 10 and plus 10, 20. Where is 20? Here. We are going to write B here. C, 10. How many notes? 1, 2, 3, 4, 5. Means 50 rupees. Where is 50? Is here. D1, 5 plus 5. 2 notes of 5, that is 10. So 10 is here. Like this way, we have completed practice zone 4. Now let's find how to find the cost. Okay. All you go for shopping in the malls. So when you go in the mall and when you see the anything, chips are there, many lot of things are there, game zone, sport, your snacks item, your groceries, so whatever it is, there is a tag on that. Okay, like this one. Okay, jab aap kabhi bhi mall mein jaate ho to aapko har cheez pe aisa tag लगा हुआ रहता है, इसको टैग बोलते हैं, और इस पे रुपीज लिखा हुआ आता है, तो आपको इससे मालूम पड़ता है कि ये चीज कितने की है। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ दिस बॉल इज रुपीज 95, दिस कॉस्ट ऑफ वाटर बॉटल इज रुपीज 64, कॉस्ट ऑफ दिस गिफ्ट इज रुपीज 82, कॉस्ट ऑफ दिस टेडी बेयर इज रुपीज 50,
कॉस्ट ऑफ बुक इज रुपीज 75. नाउ लेट्स सी हियर प्रैक्टिस जोन 5. लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट देयर कॉस्ट. सो सिंपली ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स टैग इज देयर एंड रुपीज इज रिटन हियर. जस्ट यू हैव टू सी एंड राइट. सो हियर कॉस्ट ऑफ चिप्स इज, चिप्स कॉस्ट इज रुपीज 20. द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज रुपीज 5. कॉस्ट ऑफ स्केच पेन्स इज रुपीज 50. कॉस्ट ऑफ शटल कॉक इज रुपीज 12. कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम इज रुपीज 25. ओके. Now, let's see the do and documents. Each of you will get one coin. Keep all the coins in a bowl. Take turn and pick one coin from the bowl. Place the coin under this page of your book. Rub the pencil on the paper just above the coin. You will get the impression of the coin. So, what you have to do here? कॉइन आई टुक, आपको कोई भी एक कॉइन, एक डॉलर लेना है, एक रुपये का, दो रुपये का, पांच रुपये का. तो आपने कितने रुपीस का लिया, आप यहाँ लिखेंगे इम्प्रेशन ऑफ द कॉइन. आपको वो कॉइन इधर बुक के नीचे यहाँ पर ऐसा रखना है और उसके ऊपर ट्रेस करना है, घसना है. ओके. सो यू विल गेट द इम्प्रेशन. आपको पेपर के नीचे कॉइन रखना है, उसके ऊपर रब करना है पेंसिल को, तो उसके पेपर के ऊपर आपका वो कॉइन का इम्प्रेशन आ जाएगा. ओके. सो यू कैन टेक एनी कॉइन ऑफ रुपीज 1, 2, 5, 10 रुपीज, 50 पैसा, व्हाट यू हैव. लाइक दिस वे यू हैव टू कंप्लीट इट. Now remove your observation book, page number 58. Let's solve MCQ questions. All coin have faces. One face, two face or three face? Two face. The face of a coin which has a picture on it is called head. How many paisa make a rupee? 100 paisa make a rupee. 2 5 rupees coin will make rupees 10. 5 rupees 10 notes will make 50 rupees. Okay, complete. You can pause and complete this. Now, let's see the application. To apply the knowledge of money in real life, go to a market or a shop near your house with your mother or father. Find out the cost of any 5 things. Buy any one item and pay for it yourself. Write the cost of the 5 things in the table given below. Okay. सो वॉट यू हैव टू डू, आपको यू हैव टू गो टू द मार्केट, कोई भी शॉप पे जाना है और आपको 5 आइटम्स 5 थिंग्स खुद से लेकर आना है. ओके. सो वो 5 आइटम्स आपने क्या क्या लाए और वो कितने की थे, दैट यू हैव टू राइट. देन विच आइटम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव बोले तो महंगा, आपने जो चीजें लाए उसमें से सबसे महंगा क्या था. विच आइटम इज द चीपेस्ट, चीपेस्ट मीन्स एकदम सस्ता, जो सबसे सस्ता था वो आइटम का नेम लिखेंगे. व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या क्या खरीदा. व्हाट वाज इट कॉस्ट, उसका कॉस्ट कितना था. विच नोट्स और कॉइन्स डिड यू गिव टू द शॉपकीपर, आपने नोट्स और कॉइन्स शॉपकीपर को कितने दिए. डिड यू गेट एनी मनी बैक, आपको वापस पैसे कुछ मिला.
If yes, write the amount. If no, write no. Then how did you feel? Same, you had fun by doing this application. You learnt more about money. You have learned more of these applications and you have completed in dash days. Then, to instill the habit of saving. Saving is a good habit. You can save money for bicycle, game, toys or any other things that you wish to buy. Buy a piggy bank or simply use an empty jar for each of your saving goal. Label the piggy bank jar, drop coin notes in it as often as you can. Okay, so what is telling? Saving is a good habit. Save paise, money bachana achhi baat hai. So you can take a money bank, jise piggy bank bolte hai, galla aapko lena hai, usme aap paise jama karke aapki koi bhi zarurat ki cheez ले सकते हो. लिस्ट द नेम ऑफ आइटम यू वुड लाइक टू बाय विथ योर सेविंग. फिर आप जो पैसे सेव कर रहे हो आप उससे क्या क्या खरीदना चाहते हो, डेट यू हैव टू मेक अ लिस्ट एंड राइट हियर. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 13 मनी. कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर वर्क. थैंक यू.